हेलो दोस्तों, ट्रेडिंग डेक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले एक स्टॉक के बारे में, जो आने वाले टाइम में किस तरीके से मूवमेंट कर सकता है, आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा। तो वीडियो को आप एंड तक देखना दोस्तों, वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। अगर आप लोग देखोगे तो गुजरात पीपावाव पोर्ट का मैंने मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट लगाया हुआ है, और इसके अंदर अगर आप लोग देखोगे ना तो स्टॉक अपने इंपॉर्टेंट जो ट्रैपिंग लेवल है दोस्तों, उसी के ऊपर इसने क्या किया था, एक क्लोजिंग दी थी, और उसके बाद इन्हीं लेवल के आसपास ये क्या कर रहा है, सस्टेन कर रहा है। अगर मैं आप लोगों को इसका ऊपर से नीचे, ऊपर से लेकर नीचे तक एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखाऊं तो एक्जैक्टली स्टॉक के अंदर दोस्तों बुलिश मोमेंटम जनरेट हो चुका है। अगर आप लोग देखोगे ना तो यहाँ पे इसने क्या किया, एक मल्टी ईयर जो ट्रेंड लाइन है इसका इसने ब्रेकआउट कर दिया था। सबसे पहले अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे इसने फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम इसने रिजेक्शन लिया, सेकंड टाइम कंटिन्यू इसने वहां यहाँ पे रिजेक्शन लिया और डाउनसाइड की मोमेंटम आई। अगर आप अभी आप लोग देखोगे ना तो यहाँ पे विथ वॉल्यूम्स इसने क्या किया है, ब्रेकआउट किया, उसके बाद में अगर आप लोग देखोगे तो इंपॉर्टेंट जो ट्रैपिंग लेवल थी उसके ऊपर ये क्या कर रहा है, स्टॉक अभी सस्टेन कर रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है दोस्तों, आने वाले टाइम में स्टॉक के अंदर इसी लेवल के आसपास से एक आप लोगों को बंपर अपर साइड की मोमेंटम देखने के लिए मिल सकती है। अगर मैं आप लोगों को इसके अंदर इंपॉर्टेंट ट्रैपिंग लेवल की बात करूँ तो इंपॉर्टेंट ट्रैपिंग लेवल यही है दोस्तों, 90 लेवल के अराउंड, जो अपने हर एक वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताता हूँ। टारगेट की बात करें दोस्तों तो मैं आप लोगों को हर एक चीज बताऊंगा कि आने वाले टाइम में स्टॉक का किस कहां तक के आप लोगों को टारगेट दिखा सकता है इसके अंदर। अगर आप लोगों को इसके अंदर एंट्री का प्लान करना है दोस्तों, जो लोगों के पास स्टॉक पड़ा है ना तो लोग यहाँ पे एंट्री लेंगे, जिनके पास एंट्री पड़ी है, स्टॉक पड़ा है, तो वो लोग स्टॉप लॉस लगा देंगे दोस्तों 70 रुपीज के अराउंड का। टारगेट की बात करें तो नियर बाय 148 के अराउंड के टारगेट में स्टॉक के अंदर देख रहा हूँ। नियर बाय अपनी एंट्री होने वाली है 92 रुपीज के आसपास। स्टॉप लॉस टारगेट वन की बात करें तो नियर बाय 121 के आसपास, और 147 का सेकंड टारगेट और 670 लेवल के अराउंड आपका स्टॉप लॉस रहने वाला है। रिस्क टू रिवॉर्ड की बात करें तो नियर बाय 2.35 का रिस्क टू रिवॉर्ड है 60% के अपर साइड में स्टॉक के अंदर आने वाले टाइम में देख रहा हूँ। दोस्तों, स्टॉक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल के अराउंड है, और मुझे ऐसा लग रहा है आने वाले टाइम में स्टॉक बढ़िया मूवमेंट दिखाने वाला है। आने वाले टाइम में स्टॉक कंटिन्यू डाउन ट्रेंड के अंदर था। अगर मैं आप लोगों को ड्रॉ करके बताऊं तो एक्जैक्टली इसने वेज पैटर्न का एक ब्रेकआउट, बहुत बेहतरीन ब्रेकआउट देखने के लिए स्टॉक के अंदर मिला है। इसी तरीके के एनालिसिस दोस्तों डेली में अपने चैनल के ऊपर लेके आता हूं। अगर आप लोग देखोगे ना तो यहाँ पे विथ लॉजिक आप लोगों को हर एक चीज बताता हूँ, नेकेड चार्ट्स के ऊपर किस तरीके से आप लोगों को चार्ट्स को एनालाइज करना है, देखना है, सीखना है, समझना है। तो इसी तरीके की प्रीमियम एनालाइज जो दोस्तों आपको पेड कोर्सेज में सिखाई जाती है, मैं आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे सिखाने वाला हूँ डेली वीडियो के थ्रू। तो आप लोग देखिए, सीखिए और समझिए, और डेली मार्केट को मैं जो है ना आप लोगों को निफ्टी बैंक निफ्टी का भी ओवरव्यू दे देता हूँ। अगर आप लोग देखोगे ना तो बैंक निफ्टी को मैंने बाय करने के लिए दिया था, बाद में बैंक निफ्टी में किस तरीके से मोमेंटम आई ये दोस्तों एक दिन का नहीं। अगर मैं आप लोगों को प्रीवियसली बताऊँ तो यहाँ पे आप लोग देखोगे तो बैंक निफ्टी को मैंने एक दिन शॉर्ट करने के लिए दिया था। अगर आप लोग देखोगे ना एक्जैक्टली यही दिन था, और यहाँ पे मैंने आप लोगों को एक्जैक्टली मॉर्निंग में बताया यहाँ से मेरे को एक डाउन साइड की मोमेंटम देखने के लिए मिल रही है। अगर आप लोग देखोगे ना तो एक्जैक्टली यहाँ से आप लोगों को एक्जैक्टली डाउन साइड की मोमेंटम देखने के लिए मिली। फिर अगर आप लोग देखोगे तो बैंक निफ्टी निफ्टी लाइकली टू शूट, मैंने आप लोगों को बताया था, देख सकते हो किस तरीके से शूट मोमेंटम है, रियल टाइम है दोस्तों। आप लोग नीचे टाइम भी चेक कर सकते हो, 948 और 1142 ये रियल टाइम है दोस्तों। आप लोग इसको भी देख देख के सीख सकते हो, और डेली इसके अंदर जो ओवरव्यू है उसको भी आप लोग एंजॉय कर सकते हो। डेली 4 से 5 शॉर्ट्स के अंदर मैं आप लोगों को अपडेट देता हूँ मार्केट के अंदर मूवमेंट किस तरीके से आती है। उसके बाद मेरा एक टेलीग्राम पे चैनल भी है, आप लोग उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, इसी तरीके के एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।